देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वजीर आजम ये मीटिंग ले रहे हैं और इसमें स्पेकुलेशन ऑलरेडी काफी स्पेकुलेशन दाएं बाएं से, और दैट विल एड ओनली टू कन्फ्यूजन. लेकिन आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये अच्छी डेवलपमेंट है. वजीर आजम ने जो एक सिलसिला शुरू किया था पिछले साल 14 मार्च 2020 को, जब अपनी पार्टी मिली थी उनसे, आज अब सब पार्टियों को बुला के, ये खुशाहीन बात है और इट इज वेलकम. मुझे लगता है जब वजीर आजम ने सभी दलों को बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं रखना चाहते हैं. वो सुनना चाहते हैं कि क्या तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर की लोगों की, और वो इस नजरिए से भी सुनना चाहते हैं कि मुख्तलिफ दल किस अंदाज से उन तकलीफों को देख रहे हैं. कुछ पॉलिटिकली देख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकली देख रहे हैं, कुछ सोशली देख रहे हैं. और जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है अमलगम ऑफ ऑल दिस, हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, सोशल भी है, हमारा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोगों की ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है. क्यों? दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. वहां ब्यूरोक्रेसी का राज है, ब्यूरोक्रेसी का राज कभी भी नामुल बदल नहीं होता है डेमोक्रेसी का. हम जब मिले उस वक्त, आपको पता है, 5 अगस्त 2019 को, अनफॉर्चुनेट, दैट वाज अ डिसीजन विच इज अनफॉर्चुनेट, मैं आज भी कहूंगा, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से स्टेटहुड को डिग्रेड किया गया, एंड द वे स्पेशल स्टेटस वाज रिमूव्ड, लोगों में कहीं ना कहीं खलिश है, दुख है. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज टू हैव एन ओपन हार्ट कि उन जो लोगों को आशंकाएं थी, काफी हद तक, मैं कहता हूं, मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, जब हम मिले लोगों को उस वक्त लगता था कि डेमोग्राफिक चेंजेस होगी. प्राइम मिनिस्टर के साथ सवाल, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैसे हो सकता है, 72 साल में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस. इसी तरह उस वक्त लोगों के दिलों में यह था कि अब हमारी नौकरियां, बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये पूरे लोग हिंदुस्तान के लोग ले जाएंगे. तो उन्होंने वो भी क्लैरिफाई किया, उन्होंने ऑर्डर निकाला बाजाबता, जहां ऑल जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए. इसी तरह से उन्होंने जब हमने परस्यू किया लैंड लॉस, सब लोगों के दिलों में है कि हमारी जमीनें ली जाएंगी, तो उन्होंने लैंड लॉस बनाए. 95% पीपल आर सेटिस्फाइड विद दैट. ओके, 2-5% का उसमें भी अभी भी है. एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल जिसपे किया जा रहा है 72 साल से, काफी, क्योंकि इट हैज ए पोलिटिकल हिस्ट्री. ऐसा है नहीं कि जम्मू कश्मीर में पोलिटिकल हिस्ट्री नहीं. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमारी तो गुजारिश होगी वजीर आजम से कि इसको एक्सपिडाइट करिए, ताकि इमोशनली ब्लैकमेल ना करें लोगों को. सीधे साधे लोग हैं, इमोशनली 72 साल से ब्लैकमेल हो गए, कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भर गए, 3 जेनरेशन गई, कितना. आप, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह वी हैव द सेम राइट्स जो महाराष्ट्र के किसी को है, जो आसाम में किसी को है, जो पंजाब में किसी को, हमें भी वही होने चाहिए. हमारे लोगों की भी वही आशंकाएं हैं, हमारे बच्चों को भी ये है कि हम भी उसी तरह से खेलें, कूदें, उसी तरह से लाइफ एंजॉय करें जिस तरह बाकी.